नेहरू पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा खंडित होने के खिलाफ कांग्रेस ने नगरपालिका में एक ज्ञापन सौंपा और नई प्रतिमा लगाने की मांग की। नेहरू जी की प्रतिमा खंडित करने पर कांग्रेस जनों में रोष व्याप्त थे, इसको लेकर उन्होंने आक्रोश भी जताया। नेहरू पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को खंडित करने के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस ने सोमवार को नगरपालिका सीएमओ को एक ज्ञापन सौंपा और नई प्रतिमा लगाने की मांग की। कांग्रेस जन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना के नेतृत्व में नगरपालिका पहुंचे और नगरपालिका सीएमओ सीपी राय को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना ने बताया कि अंबेडकर सर्कल के पीछे स्थित नगरपालिका के नेहरू पार्क में असामाजिक तत्वों द्वारा नेहरू जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई व प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत रत्न है, उनका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना से कांग्रेस जनों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन सौंप नेहरू जी की नई प्रतिमा लगाने और शहर में जितने भी महापुरुषों की प्रतिमा है उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। कल 14 नवंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था, जिसे पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने भी यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जाकर बच्चों के बीच मनाया। उसके बाद जब हम नेहरू पार्क में जाकर वहाँ पर जो कि नेहरू जी की प्रतिमा लगी हुई है उस पर माल्यार्पण करने गए तो हमको देखकर बड़ा बुरा लगा और हमें काफ़ी क्रोध आया। जितने भी कांग्रेस जन थे बहुत आक्रोशित हुए, क्योंकि प्रतिमा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने या असामाजिक तत्व ने खंडित कर रखा था, तो वो प्रतिमा खंडित नहीं होनी चाहिए थी। महापुरुषों की जितनी भी यहाँ पर निमिष में प्रतिमाएँ हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। तो इस बात को लेकर आज हमारा प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का सीएमओ साहब के पास आया और यह मांग की कि वो जो प्रतिमा इस तरह से खंडित हो चुकी है कि वो रिपेयरेबल नहीं है, उसे नई प्रतिमा लगाई जाए उसकी जगह, क्योंकि खंडित प्रतिमा कहीं लगाई नहीं जाती, पूजा नहीं की जाती है। तो एक तो ये मांग की कि हमने ये प्रतिमा दूसरी लगाई जाए। इसके साथ ही शहर में जितने भी महापुरुषों की प्रतिमा है उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। साथ ही यहाँ जो गांधी वाटिका में है गांधी जी की प्रतिमा है वो भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और देखने में लगता ही नहीं कि हमारे राष्ट्रपिता की मूर्ति है, तो उसको भी बदला जाए। तो आज ये प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि सबसे पहले तो नेहरू जी की प्रतिमा खंडित हो चुकी है उसे बदली जाए, साथ ही गांधी वाटिका स्थित गांधी जी की मूर्ति बदली जाए और शहर में जितने भी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। क्या अल्टीमेटम अगर इसके लिए सीएमओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही इसके लिए प्रयास करके हो सकेगा तो प्रतिमा जल्दी से जल्द लगाएंगे। हमने उन्हें 15 दिन का समय दिया है कि आप 15 दिन में इसके लिए कार्रवाई करें और नई प्रतिमा लगवाएं। अगर वो नहीं लगाते हैं, नगर पालिका नहीं लगाती है, तो कांग्रेस जन एक बड़ा आंदोलन करेगी और इसकी जवाबदारी सारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। इस मामले में सीएमओ सीपी राय ने कहा कि पार्क में नेहरू जी की प्रतिमा की मरम्मत कराई जा रही है, यदि इससे प्रतिमा ठीक नहीं होती है तो वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर नई प्रतिमा लगाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल चौरसिया, ब्रजेश मित्तल, पूर्व पार्षद योगेश प्रजापति, देवेंद्र परिहार, कृपाल सिंह मंडलोई, पृथ्वी सिंह वर्मा, पूर्व पार्षद मोनोलोक्स, राकेश अहीर, मनीष चांदना, विकास यादव गोलू सहित कई कांग्रेस जन मौजूद थे। दरअसल नेहरू पार्क में नेहरू जी की एक प्रतिमा अवक्ष प्रतिमा लगी हुई है और जहाँ तक हम लोग का अंदाजा है कि बच्चे खेलते हैं और उनके पत्थर मारने से कुछ थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था। कल हम लोगों ने रात में उसको ठीक करने की कोशिश भी की है और अभी हमने एक आर्टिस्ट को भी बुलाया है जो वहाँ पर काम कर रहा है। अगर वो उसको ठीक कर ले पाते हैं यथास्थिति में ला पाते हैं और दूसरी कोई समस्या नहीं होती है तो ठीक है, अदरवाइज हमने चूँकि जैसा मांग किया सबने, माननीय नेहरू जी हम लोग के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेना में उनका योगदान रहा है, हमारे आदरणीय पुरुष हैं, हम नई प्रतिमा लगा देंगे। शहर में अन्य प्रतिमाएं भी लग रही है, उनकी सुरक्षा को लेकर के नगर पालिका क्या व्यवस्था कर रही है? अभी तक किसी प्रतिमा के साथ ऐसा नहीं हुआ है और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जानबूझकर किया गया करते भी नहीं है, बच्चों के खेलने की वजह से हुआ है। प्रतिमाएं सभी सुरक्षित हैं, काफ़ी गोल घेरे में लगी हुई है और ऊंचाई पे लगी हुई है, इसलिए प्रतिमाओं के साथ कोई दिक्कत नहीं है और सभी में सीढ़ियाँ और रेलिंग्स लगी हुई है।